दोस्तों स्वागत है आपका द एग्जाम पोर्टल में। आज सुबह सुबह मैं ग्राउंड आया हुआ हूँ। काफ़ी बातें हो गई है एग्जाम से रिलेटेड। सब इंस्पेक्टर्स का जो मेंस है 29 को है, उसके बाद उनका फिजिकल है। फिजिकल भी अपने आप में एक बहुत टफ प्रोसेस है, उसको भी पार करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास प्लान है। हमने काफ़ी इस पर बात किया है, लेकिन आज मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा। एक मेरे एक छात्र ही कहिए, मेरे छोटे भाई हैं, वो दौड़ से जुड़े हुए हैं। आज मैं उनको लेके आया हूँ ग्राउंड में कि दौड़ का दिखाना है कि कैसे दौड़ करना है ना। हाँ, आर्मी के बहाली को क्लियर कर चुके हैं, दौड़ने में अच्छे हैं, तो इनसे थोड़ी सी राय ली जाएगी। और इनको एक 1600 मीटर का, जो बेसिकली सबसे स्टैंडर्ड है, 1600 मीटर इसमें दौड़ना है। बिहार पुलिस में भी दौड़ना है, सब इंस्पेक्टर में भी, सारा जो स्टैंडर्ड दौड़ है 1600 मीटर का है। तो 1600 मीटर के दौड़ को कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, हम यहाँ ये भी देखेंगे और कुछ इनसे टिप्स भी लेंगे, क्योंकि ये अच्छे, मतलब एक अच्छे धावक माने जाते हैं हमारे साइड के, है ना। तो ये हैं, मेरे भाई ही हैं, इनका नाम है रोहित कुमार। दौड़ने में देखिए एक्सपर्ट हैं, मतलब बॉडी भी इनकी लीन थीन है, तो उस हिसाब से दौड़ के काफ़ी अच्छे माहिर हैं। बच्चे हैं अभी, मतलब 22-23 जो भी उम्र मानी है, लेकिन पढ़ने में भी ठीक हैं। तो इनसे हम कुछ बेसिक चीज़ें जानना चाहेंगे रोहित, मतलब दौड़ने के लिए क्या बेसिक चीज़ क्या चाहिए कि अगर आपको कंप्लीट करना है समय से दौड़, तो दिमाग में क्या बातें रखनी होंगी। दिमाग में यही, विल पावर आपका मजबूत होना चाहिए। मतलब आपको, मतलब दौड़ना है 1600 मीटर, तो मतलब दौड़ना है ना, तो बीच में छोड़ देना है। ये अगर आप में माइंड मेकअप हो जाएगा तो आप दौड़ नहीं पाइएगा। आपको दौड़ पूरा करना है, किसी भी हाल में करना है, ठीक है। तो ये जब तक आपके माइंड में नहीं रहेगा तो आप दौड़ क्लियर नहीं कर पाइएगा, ठीक है। पहला है माइंड मेकअप कर लीजिए कि हमको 1600 मीटर दौड़ना है, और उसके पास थोड़ा बहुत डाइट है उसको फॉलो कर लेना है, जैसे चना हो गया इत्यादि, और ये बीट का जो है, बीट का अति होता है जूस होता है, वो मतलब एक ग्लास पीजिए, जिससे नर्व सिस्टम मजबूत हो जाता है। और कुछ दो तीन जो प्लैंक्स हैं वो कर लीजिए, और फिर उसके बाद दौड़ का एक डेली प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, मतलब एक बात बताओ कि जैसे काफ़ी लोग, हमने तो चलो दौड़ क्लियर कर लिया है, काफ़ी अच्छे समय में क्लियर किया है, आने वाले समय में और लोग क्लियर करने वाले हैं, तो उनके लिए जैसे लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, डाइट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और विल पावर भी, मतलब दौड़ने का ये होना चाहिए, तो इसमें से सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, कि मतलब तीनों में से सबसे ज़्यादा आदमी के दिमाग को कौन प्रभावित करता है, खाना कि मतलब सोच कि मतलब प्रैक्टिस? सोच सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट थिंग है, और फिर उसके बाद जो है सोच के बाद है आपका प्रैक्टिस। अच्छा, इसका मतलब कि मतलब तीनों एक कंपोजिट है, मतलब तीनों के अलावा, मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये करके तीनों से मतलब भाग नहीं सकते हैं। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि कोई अगर कम, अभी मान लो जैसे दरोगा का एग्जाम चाहे कॉन्स्टेबल का ये होने वाला है दौड़, तो जो लोग कम दौड़ पा रहे हैं, मतलब उनमें विल पावर नहीं है, जो किसी भी कारण से कम दौड़ पा रहे हैं, अपना पहले दिमाग में मेकअप कर लें कि हम दौड़ जाएंगे और अपने डाइट पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। जैसे जिनका शरीर हल्का सा वीक है, वो पहले अपने शरीर को थोड़ा सा फिटनेस मतलब बनाए, उसके बाद मतलब वो ये डाइट मेंटेन भी रखें जिससे उनका फिटनेस सही हो जाए, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें वो, फिर उसके बाद जब 10 दिन या 15 दिन बचे तो वो अपना विल पावर ऐसे बढ़ा करके अच्छा दौड़ क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, जो मोटा लोग हैं, मतलब जेकर बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाई है, जो तुम तो चलो फिट लग रहे हो, बाकी हम लोग तो चलिए ठीक है, जो थोड़े हेल्दी लोग होते हैं वो लोग कैसे करेंगे? वो लोग के पास अभी एक टाइम है, तो वो क्या कर सकते हैं, पतंजलि का ये गौमूत्र आता है, तो उसको सुबह में यदि वो लेते हैं तो उससे वेट हल्का कम होता है। होता है क्या? हाँ, चलो तुम पतंजलि में शामिल कर सकते हैं। चलो यहाँ पे दोस्तों पतंजलि का ब्रांडिंग हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, सही में पतंजलि वाला से होता है, मतलब तुम लोग अप्लाई करते हो? हाँ, उससे ऑब्वियसली उससे मतलब सुबह में खाली पेट एक कप लेने से उससे वेट कम होता है। चलिए, ये वाला मैंने कभी यूज नहीं किया है, और नहीं मतलब मैंने इनको एक किया है, यूज किया है जिससे मतलब, चलिए अच्छा बात है, आप अपने उस पे ले सकते हैं। और बाकी अभी ये जो हमारे जो दिल्ली वाले ट्रेनर हैं वो और आपको गाइड करेंगे, खैर मेरा भाई है और ये मतलब काफ़ी अच्छा दौड़ता है, इसलिए मैं आपको लेके आया हूँ प्रैक्टिस दिखाने के लिए कि 1600 मीटर में क्या स्टैमिना की जरूरत होती है कैसे। और अभी बेसिकली हम लोग सुबह आने वाले थे, सुबह मतलब 4-5 बजे, लेकिन कोई भी जो दौड़ होता है, कोई भी ग्राउंड का दौड़ होता है, आपको सुबह बुलाया जाएगा, 6 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे कराया जाएगा। इसलिए देखिए धूप निकल गया है, इसलिए मैं इसको बुलाया हूँ ताकि रियल टाइम में प्रैक्टिस हो और आपको दिखे, है ना। तो अभी हम इसका वीडियो शूट कर रहे हैं। 1600 मीटर का एक ग्राउंड है, देखिए एक खेल ग्राउंड है, 400 मीटर का है,
ऐसे 400 कोई कहता है, 410 कोई कहता है, 390, लेकिन ये बेसिक चलिए मान लीजिए कि एवरेज 400 या 390 जो भी हो, लेकिन एक प्रैक्टिस पर्पस से हम दिखाएंगे इस ग्राउंड को कि ये कितने समय में इसको पूरा करते हैं। तो अभी हम आप उसके लिए एक वीडियो पूरा का पूरा शूट करेंगे और इनका टाइमिंग सही रहता है तो मैंने इनको एक जो कौन से कंपनी का शूज है जी आपका, हाँ एक इनको शूज मैं गिफ्ट करूंगा ताकि इनका प्रैक्टिस और होता रहे, आगे काफ़ी एग्जाम होगा तुम्हारा, सब में करेंगे और मैं इनको दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम शूट करेंगे इनका टाइमिंग और आपको दिखाएंगे। हाँ तो देखिए मैं, हम लोगों ने इनको तैयार कर लिया है अपना, इन्होंने वार्म अप कर लिया है बेसिक, दौड़ के बाद इस पर ये करेंगे, दौड़ शुरू किया जा रहा है रोहित, चलो काफ़ी, तो इसलिए इनके लिए आसान पड़ता है। हम लोग तो बाइक पे बैठे हैं तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, हमें तो आराम ही है, लेकिन जो दौड़ते हैं ग्राउंड में उनको पता चलता है। देखिए दौड़ने के दो तरीके होते हैं, प्रैक्टिस में जब मैं था तो या तो आप शूज़ पहन के दौड़ सकते हैं या बिना शूज़ के, बेसिकली दोनों टाइप के प्रैक्टिस अच्छे माने जाते हैं। यदि आपके शूज़ अच्छे हों तो भी अच्छा है, और नहीं तो काफ़ी लोग नंगे पाँव भी दौड़ते हैं क्योंकि उससे थोड़ा ग्रिप ज़्यादा अच्छा बनता है, तो आप दोनों तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1:28:29 हो गया है, थोड़ा सा स्पीड पहला राउंड का स्पीड ज़्यादा होता है, दो राउंड कंप्लीट कर लिया है। क्या रे खींचो खींचो, ये वो ग्राउंड है जहाँ बच्चे, काफ़ी बच्चे प्रैक्टिस करते रहे हैं और कहाँ इसी जगह से काफ़ी बच्चे आर्मी में, बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन के जगह जगह पे देश की सेवा कर रहे हैं। हम लोग तो खैर, हमने मुखर्जी नगर में दौड़ा था निरंकारी ग्राउंड में, और लेकिन ये बच्चे यहाँ गांव में ही रह के प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए थोड़ा गांव का जो एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, शुद्ध होता है, मतलब ये माना जाता है खाली ओपन ओपन रहता है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी रहती है बिना कुछ एक्स्ट्रा लिए हुए। जैसे हम लोग काफ़ी डाइट और तरीके तरीके के प्रोटीन्स वगैरह ले लिया करते थे, लेकिन ये लोग इन पर डिपेंडेंट नहीं है, शुद्ध भोजन में विश्वास रखते हैं, जैसे चना हो गया, केला तो, केला और घर के बने हुए खाने और दूध वगैरह, अनार वनार का भी, एप्पल वप्पल, यही इनके लिए फुल डाइट का है। चलो रोहित चलो, शाबाश, तीन राउंड कंप्लीट हो गया है लगभग 3:03 में। अभी यहाँ पे थोड़ा सा पोस्ट पड़ा हुआ है, आवास आवास। गजब गजब गजब, वहां वहां आगे आगे एंड अप पे एंड करना, दौड़ 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 दौड़।
देखिए इन्होंने अभी दौड़ कंप्लीट किया है, इसमें और 30 सेकंड का आया था क्योंकि वहां से हम लोग एक कर रहे थे तो बाइक पे लगभग 4:56 4:57 में इनकी इनका दौड़ कंप्लीट हो गया। कैसा लग रहा है अभी, मतलब थके हुए नहीं हो क्या? नहीं, एक राउंड और कर देंगे तो कर पाओगे? कितने देर में देख, मतलब कितना देर के रेस्ट पे एक राउंड एक कर दोगे? देखिए यही एक जज्बा होता है बच्चों में, काफी अच्छा है जोश जुनून है नौकरी के प्रति, तो ये आप लोगों में भी होना चाहिए। देखिए एक दौड़ का मैंने डेमो दिया है, लगभग 5 मिनट के अंदर इन्होंने अपना दौड़ पूरा कर लिया है। मुझे लगता है कि 4:56 4:57 होगा, हो सकता है 50-10 मीटर थोड़ी सी ग्राउंड कम हो या इवन ज़्यादा हो, लेकिन मतलब बिना एक एक ही कॉल पे इन्होंने दौड़ को पूरा किया है। अच्छा ये रहा है नंगे पैर दौड़े, और इनसे भी हम 2-4 और बातें करेंगे। देखिए यही आपको जज्बा रखना है दौड़ के लिए, है ना, 5 मिनट में जो प्रैक्टिस करेंगे उनके स्कोर बिहार पुलिस में मेरिट रनिंग पे ही बनता है, तो उसका भी ध्यान रखना। और सब इंस्पेक्टर वालों के लिए 6:30 मिनट का टाइम है, तो उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि कैसे करना है क्या करना। और फिजिकल के लिए भी काफ़ी कुछ किया जाएगा, ये लोग बच्चे हैं जो ज़्यादा फिजिकल पर फोकस करते हैं तो इनका फिजिकल कम टाइम में हो जाता है, लेकिन जो पढ़ने के साथ साथ अदर तैयारी में लगे रहते हैं उनके लिए थोड़ा टफ है। जिनका बॉडी थोड़ा बॉडी वेट हैवी है उनके लिए अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी है, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस बच्चे ने काफ़ी काबिले तारीफ काम किया है, हम और इस बात करेंगे। चलिए ठीक है, तो देखिए इन्होंने दौड़ कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा सा थक गया है बच्चे क्या, 1600 मीटर की रनिंग इतनी आसान नहीं होती है, और ये काफ़ी मतलब जैसे अभी सबके लिए वैकेशन टाइम चल रहा था तो इनके लिए भी था मिला जुला के, तो ये आए हैं कुछ लंबे समय के बाद, वैसे डेली प्रैक्टिस करने वाले बच्चे हैं, तो दौड़ के बाद ये लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं जो आफ्टर वर्कआउट जो होता है एक्सरसाइज माना जाता है, पोस्ट वर्कआउट एक्सरसाइज तो ये लोग करते हैं, तो इससे इनको आसान हो जाता है, मतलब थकते नहीं हैं। तो देखिए कर रहे हैं, थक तो गए हैं, लेकिन मतलब क्या होता है कोई भी थक जाता है, तो मैं इनसे और भी बेसिक जैसे सब इंस्पेक्टर के दौड़ के लिए और भी चीज़ें हैं उस पे बारे में जानकारी लेंगे। अच्छा एक मिनट रोहित, ये बतावा कि जो नया बच्चा है, मान लीजिए चलिए आप तो काफ़ी अच्छे रनर हैं, जो नया बच्चा है उसको क्या करना चाहिए, पहले स्टेमिना बिल्डअप के लिए क्या करना चाहिए जो नया दौड़ शुरू कर रहा है? पहले तो उसको तो लॉन्ग मतलब डिस्टेंस का दौड़ दौड़ना है। कितना? फिर भी मतलब 5 किलोमीटर हो गया। 5 किलोमीटर मतलब उसको डेली दौड़ना है कम स्पीड में, स्लो स्पीड में। तो इससे उसका जो है स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अच्छा, और उसका फिटनेस भी अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब जो मान लो 5 किलोमीटर का दौड़ रहा है, जैसे डेली दौड़ रहा है, तो उसको प्रैक्टिस शुरू, मान लीजिए आपके पास 50-60 दिन है फिजिकल के लिए, तो अभी मतलब उसको कितना दिन स्ट्रेंथ बनाना चाहिए और कितना दिन पहले मतलब क्या बोलते हैं प्रैक्टिस शुरू कर देना चाहिए 1600 मीटर का? उसको 60 दिन यदि है उसके पास तो कम से कम उसको 30 दिन तो लॉन्ग दूरी दौड़ना होगा। जब एग्जाम के बाद 30 दिन बचते हैं लगभग मेंस देने के बाद, तो 30 दिन में उसको 15 दिन लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ना है वो 5 किलोमीटर शाम के समय जो वही। अच्छा मतलब 1 मील दौड़े वो। अच्छा तो हम मतलब जो मतलब मेरे से जनरली गाइड लेते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि मान लीजिए आप शुरू में लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं तो आपको 6 किलोमीटर 8-10 किलोमीटर करना है, और वीक में आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीक कर सकते हैं ना, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। तो जी वही बात है, आपको पहले लॉन्ग रनिंग करना। अच्छा दूसरा बात हम ये बताते हैं, जैसे तुम कह रहे हो कि 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर, मैं कहता हूँ मतलब जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे जो हमारे दिल्ली के कोच थे उनका कहना था कि हम लोग को हम शुरू में टारगेट देते थे कि आपको 30 मिनट तक कंटिन्यू रनिंग करना है जितना किलोमीटर हो जाए बिना रुके, है 30 मिनट तक। तो हम शुरू में जब प्रैक्टिस किए तो 14-15-16 2-3 दिन, फिर 20-22, मतलब 30 किलोमीटर में 7-8 जितना थक जाते थे लेकिन कंटिन्यू 30 मिनट तक कर सकते थे, तो ऐसे किया जा सकता है कि नहीं? वही हो गया, जैसे 24 मिनट जैसे जीडी में 5 किलोमीटर देता है समय, और बहुत जो हल्का सा मतलब दौड़ने में वीक लड़के होते हैं वो 30 मिनट में लगभग 5 किलोमीटर दौड़ ही लेते हैं, बात एक ही है। अच्छा मतलब इतना करना है, कहने का मतलब अगर मान लीजिए कोई दौड़ना चाहता है तो 5 किलोमीटर कंटिन्यू, नहीं तो 30 मिनट का प्रैक्टिस करें, है ना? तो चलिए ये बेसिक बातें हो गई आपके बाद, जो एक दौड़ के बाद वाला एक्सरसाइज है और भी हम इस पे बात करेंगे, चाहे हम लोग जो बिहार सब इंस्पेक्टर के मेंस के बाद का दौड़ है जो दिल्ली के कोच हैं उनसे बात हुई है उस पे हम लोग विचार कर रहे हैं, तो उस पे एक किया जाएगा कुछ जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए। बाकी ये लोग तो काफी स्ट्रेंथन है, इनका 5 मिनट 5:10 में हो जाता है। तुम्हारा बेस्ट क्या रहा है रोहित, मतलब कितना 1600 मीटर का? 4:42 4:42। कितना हाइट कितनी है तुम्हारी? 6 फीट 1 इंच 6 फीट 1 इंच के हो गए, बढ़िया है।
चलिए इनकी लंबाई के अनुसार देखिए, इनकी टांगे काफी लंबी लंबी है, 6 फीट 1 इंच के हैं, और उसी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से तो लंबा लंबा पैर फेंकते हैं। मान लो जो थोड़ा लंबा रहता है उसके लिए आसान होता है थोड़ा सा दौड़ना, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा हाँ, क्योंकि मेरे स्कूल टाइम में हमसे एक लड़का था, 5 फीट 10 हाइट था, हाँ। वो हमसे 100 मीटर करे ज्यादा दौड़ता था, हमसे तेज दौड़ता था। अच्छा, तो मतलब ऐसा कोई अति नहीं है। तब भी मतलब 4:42 है, मान लो 4:50 तो बहुत टाइम हो गया। 6.5 मिनट जो दरोगा का दौड़ है वो बच्चों के लिए तो मान लो तुम लोग के लिए तो काफी आसान होगा, लेकिन 6.5 मिनट में भी बहुत लोग थक जा रहे हैं जो मतलब हमारे। हम लोग जब से जीडी का दौड़ हुआ है उससे भी एक दिन भी फील्ड पे नहीं आए। अच्छा, अभी मेरा इतना जा रहा है, जब प्रैक्टिस हो जाएंगे तो और स्थितियां विकट होगी, मतलब और कम करोगे। हाँ, विकट नहीं आसान। तो दे इस तरीके से मैंने आप लोगों को एक डेमो दिया है। हमारे मेरे छोटे भाई हैं और स्टूडेंट हैं, अभी दौड़ रहे हैं। देखिए ये आप लोग इनसे अपनी तुलना, मतलब किसी से अपनी तुलना करना बहुत अच्छी बात नहीं है। बाकी बेसिक बातें हैं कि ये प्रैक्टिस करते रहे हैं, जैसे इन अभी आप लोग जो हैं स्टडी करने वाले छात्र हैं जो दरोगा मेंस दे रहे हैं ESI या फिर, तो उनका ऑब्वियसली वो BPSC UPSC वगैरह के लिए पढ़ते रहे होंगे, है ना, तो उनको इन सब चीज़ों का समय काफ़ी कम मिला होगा। और क्या बोलते हैं, काफ़ी लोग अलग अलग ऐसे आए हैं, मैं खुद BPSC का इंटरव्यू देता रहा हूँ, और तो इस वजह से हम लोग दौड़ नहीं पाते हैं, बैठे बैठे बॉडी वेट बढ़ जाता है, लेकिन ये लोग प्रैक्टिस में हैं। लेकिन देखिए ये 5 मिनट के अंदर 1600 मीटर कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करके 1600 मीटर को 6:30 में जरूर लाइएगा। उसके लिए और भी बात होगा, एक मैंने आपको डेमो दिया था, काफ़ी अच्छा दौड़ रहे हैं। और चलिए इनके लिए, इनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं, और इस वीडियो को मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा। जो बाकी प्रश्न होंगे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, उसका जवाब देने का कोशिश किया जाएगा। जय हिंद।